हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्राइस लिस्ट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे थे हम। तो चलिए शुरू से ही आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, हमारे पास कंपनी बनी हुई है। अब इस कंपनी में हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, पहली एंट्री करनी है, कुछ परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए परचेज वाउचर में जाना होगा, F9 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। यहाँ आ गए, अब यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी हो वो आप डाल दीजिए, वो डेट जिस डेट पे आप खरीदारी करना चाहते हैं वो ले लीजिए। यहाँ पर अल्ट सी करके मैं क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना रहा हूँ, रितेश सी लिख दिया, पहचान होती रहेगी कि ये क्रेडिटर पार्टी है। यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर और मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखेंगे, इंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। ये हो गया। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, अल्ट सी करके यहाँ परचेज अकाउंट कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहाँ परचेज अकाउंट के अंडर में इसे डालेंगे, ये कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया और इसको अब एक्सेप्ट करा लिया। ये हो गया हमारा काम। इतना कर लेने के बाद एक बार बाहर आते हैं। तो अब हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला और यहाँ पे देखिए, ये रितेश क्रेडिटर, ये लेजर हमने बनाया हुआ है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, परचेज अकाउंट यहाँ आ गया। अब चूंकि हमें प्राइस लिस्ट का एक्टिवेशन करना है तो कहाँ चलेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में। ये इन्वेंट्री इन्फो आपको दिख रही है, यहाँ पर प्राइस लिस्ट अभी शो नहीं हो रही है। कैसे शो होगी बताता हूँ। F11 की प्रेस कीजिए, इन्वेंट्री फीचर्स में चले जाइए और यहाँ पर आकर के अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं आप, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। यहाँ पर Y प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आपको प्राइस लेवल बनाना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट लिस्ट, ये एक ही बना रहे हैं, आप चाहे तो और भी बना सकते हैं, एंटर प्रेस करके और यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। पर स्टॉक आइटम्स हमें बनाने, इन्वेंट्री इन्फो चलते हैं, स्टॉक आइटम पे चलते हैं। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पे स्टॉक आइटम बना रहा हूँ राइस, यूनिट बना लेते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ KGS किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा आ जाएगा, यहाँ 3 कर देता हूँ डेसिमल, एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। अब ये राइस हो गया, अब यहाँ पल्स करता हूँ, KGS यहाँ भी रहेगा, बाकी सारी चीजें हो गई। तो ये दो आइटम स्टॉक आइटम हमने बनाया है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमें चलना है, देखिए यहाँ पे प्राइस लिस्ट अब शो होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, वी प्रेस करेंगे, ठीक है। स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करा लिया है, यहां से रितेश क्रिएटर आ जाएगा और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे राइस की बात करेंगे, आर प्रेस करते हैं, राइस आ गया। यहाँ पे मान लीजिए 500 किलो राइस हम परचेज कर रहे हैं और 1 किलो की कीमत 40 रुपए के हिसाब से ये आ गई, ठीक है। इसके बाद पल्स की बात करें तो पल्स ले लेते हैं हम, 400 किलो पल्स परचेज कर रहे हैं और 1 किलो की कीमत 70 रुपए यहाँ आ गई। अब यहाँ पे CGST SGST का लेजर हमें क्रिएट करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, CGST लगा लीजिए, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, GST है ये, सेंट्रल टैक्स, राउंडिंग मेथड को नॉर्मल राउंडिंग रख लेता हूं मैं, एंटर प्रेस करता हूं, ये आ गया CGST। अब अल्ट सी करके SGST का लेजर बना लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ GST रहेगा, स्टेट टैक्स, राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये आ गया आपका। अब अल्ट कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अब यहां से बाहर आ जाएंगे, कहां चलेंगे, इन्वेंट्री इन्फो पर, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो पर आएंगे और यहां पर आने के बाद प्राइस लिस्ट पे आएंगे। अब यहां पे एक बार ऑल आइटम्स है तो ऑल आइटम्स ले सकते हैं, रेट लिस्ट ले सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर अब हमें इसको बनाना है कि जैसे मान लीजिए 100 किलो अगर लेते हैं तो उस पर क्या रेट लगेगा, 50 किलो लेते हैं, 1 किलो लेते हैं तो उस पर क्या रेट लगेगा, कुछ इस तरह की लिस्ट हमें बनानी है। तो राइस ले लिया हमने, अब अगर 50 किलो से कम खरीदते हैं तो उस पर हम रेट लगाएंगे 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, डिस्काउंट कुछ भी नहीं देंगे। अगर 50 किलो से ज़्यादा खरीदते हैं, यानी 50 किलो से लेकर और
300-400 किलो तक खरीदते हैं तो उस पे रेट लगाएंगे हम ₹48। ठीक है, ये कर दिया हमने, डिस्काउंट कुछ भी नहीं देंगे। अब फिर 300 किलो तक हो गया, 500 किलो तक खरीदेंगे तो कितना रेट लगाएंगे, ₹47। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब फिर यहाँ पे दूसरे 500 से ज्यादा खरीदेंगे तो भी कितना आ जाएगा, ₹46 आ गया, डिस्काउंट कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा स्टॉक आइटम है पल्स, पल्स ले लिया हमने। अब पल्स की बात करें, पल्स अगर 10 किलो से 10 किलो तक आप लेंगे, ठीक है, लेस देन 10 किलो अगर खरीदते हैं तो यहाँ पे रेट लगाया हमने ₹75 प्रति किलो। ठीक है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। और अगर 50 किलो खरीदते हैं तो यहाँ पे रेट लगेगा ₹74 का। और अगर 50 किलो से ज़्यादा खरीदते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं डालेंगे, ज़्यादा के लिए यहाँ कुछ भी नहीं डालेंगे तो यहाँ पे रेट लग जाएगा आपका ₹71। ठीक है, ये लगा दिया हमने। और यहाँ से अब एंड ऑफ लिस्ट करना है, इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, अब चलते हैं सेल्स वाउचर, वी प्रेस करता हूँ, यहाँ से सेल्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर डाल देते हैं एक, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर बना नहीं है तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, रामू, अब डी लिख देता हूँ डेटर के लिए पहचान होती रहेगी, और यहाँ पे संडी डेटर आ जाएगा ग्रुप में, अभी तक क्रिएटर लेते रहे, अब डेटर। यहाँ पे देखिए रेट लिस्ट आ रहा है तो रेट लिस्ट हम ले लेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल इसको यस रखेंगे, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करते हुए इसको भी डिटेल्स फिल करके एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा तो यहाँ सेल्स अकाउंट कर दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एस प्रेस किया तो ये सेल्स अकाउंट आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने बनाया था राइस, तो अगर राइस यहाँ पे हम डालते हैं और जैसे मान लीजिए क्वांटिटी डाल दिया हमने 10 किलो, तो यहाँ पे देखिए ये रेट अपने आप आ जा रहा है, देख सकते हैं आप, हमें रेट डालने की जरूरत नहीं, 10 किलो पर ₹50 का रेट लगेगा। ठीक है, चलिए राइस ही दोबारा से लेते हैं, इस बार हम राइस लेते हैं 60 किलो। ठीक है, 50 किलो प्लस 10 किलो 60 किलो ले लिया, तो यहाँ पर अपने आप ₹48 रेट आ जा रहा है, आपको लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसी तरह से पल्स की बात करें, ठीक है, ये पल्स ले लिया हमने, पल्स अगर हम 10 किलो खरीदते हैं तो क्या रेट आएगा, यहाँ पे अपने आप रेट आ गया, हमें डालने की जरूरत नहीं। फिर लेते हैं पल्स, और यहाँ पर पल्स ले लिया हमने, इस बार हम लेते हैं 70 किलो पल्स, तो यहाँ पे देखिए रेट अपने आप आ गया ₹71 पर। ठीक है, तो इस तरह से करके हम रेट लगा सकते हैं। इसमें उम्मीद करता हूँ कि जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लीजिए, ये लगा लिया सीजीएसटी, और अब एसजीएसटी की बारी, तो यहाँ से एसजीएसटी भी लगा लीजिए, एंटर प्रेस किया और ये न्यू रेफरेंस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप। ये हमारी एंट्री हो गई पूरी।